देखिए हमारे पास क्या है, एक एक्स स्क्वायर है, एक माइनस का 3x है और पी है, और इसके रूट्स हैं ए और बी। तो आप देखिए यहाँ से अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए की वजह से हो गया जस्ट 3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो वो इक्वल टू हो जाएगा पी। इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेटिक के लिए, आवाज नहीं आ रही है? आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही होगी सबको, अभी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज तो सबको आ रही होगी, क्लियर आ रही है बेटा? यतिन ऐसे बेटा अफवाह मत फैलाया करो। देखो आ रही है, देखिए सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो सम ऑफ रूट्स मतलब सी और डी, हर्ष बेटा क्लास में ध्यान से सुना करो, क्लास है कि नहीं है, कल तुम थे या नहीं ध्यान से सुना करो, ठीक है? यहाँ पे आ गया सम ऑफ रूट्स, आपके पास आ गया 12, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो हमारे पास आ गया क्यू, ठीक है जी? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपके चारों जीपी में है, अगर ये जीपी में है तो ए की वैल्यू तो ए और बी की वैल्यू थी ए आर, सी की वैल्यू थी ए आर स्क्वायर। अपना हेडफोन चेंज करो यतिन, अगर आवाज नहीं आ रही है तो हेडफोन चेंज करो, बाकी सबको आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा बताओ? आवाज बाकी लोग तो कह रहे हैं आराम से आ रही है आवाज, आपको कैसे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है? क्लियर वॉइस है बेटा, सब बता रहे हैं, देखो सही है। अब दो बच्चे ऐसे मत करो, तो ए की वैल्यू ए हो गई, बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू ए आर क्यूब। अब देखो ए की जगह ए है और बी की जगह ए आर हो गया, ए की जगह ए है और बी की जगह ए आर हो गया। सिमिलरली सी की जगह हमने लिखा ए आर स्क्वायर, बी की जगह लिखा ए आर क्यूब, सी की जगह लिखा ए आर स्क्वायर, डी की जगह लिखा ए आर क्यूब, ठीक है? ए आर क्यों लिखा? देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जीपी है, तो ए की वैल्यू ए हो गई, बी की वैल्यू ए आर हो गई, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू ए आर क्यूब। तो यहाँ पे से देखिए फर्स्ट वाले में से मैं अगर ए कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा ए के साथ 1 प्लस आर, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर आर, ठीक है? थर्ड में देखो सम ऑफ रूट्स भी होता है बेटा, सुझे ध्यान से सुना करो बेटा, अभी बोला था सम ऑफ रूट्स लगाओ। 12 वाले में अगर ए आर स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस आर हो गया मेरे पास 12, और यहाँ देखें तो आ गया ए स्क्वायर के साथ आर की पावर 5 आ गया मेरे पास क्यू, ठीक है जी? ये चारों चीजें हमारे पास आ गई। अब ये और सिंप्लीफाई करते हैं इनको, मान लीजिए मैं इनको डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ और यहाँ से इसको डिवाइड करता हूँ तो ए से ए कैंसिल होगा 1 प्लस आर से 1 प्लस आर, तो बचेगा हमारे पास 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन 4, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। फिर यहाँ देखिए तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और बन गया 1 अपॉन आर की पावर 4, हो गया हमारे पास P/Q, ठीक है जी? तो ये आप कह सकते हो कि Q/P की वैल्यू कितनी हो गई, आपके पास आ गई R/4। आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो R/4 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई।
उन्होंने बोला है अंश ए बी सी डी ए डी पी में, तो उसका ये नहीं हो सकता है कि मैंने आगे लिखे कर ले। उन्होंने क्लियर बोला है ए बी सी डी डी पी में, तो आपको ए ए आर ए आर स्क्वायर ही लेने पड़ेंगे। आपने जो सीक्वेंस उन्होंने बोला है तो बिल्कुल उसी में लगेगा। अब हमने यहाँ पर अप्लाई करी कंपोनेंटो और डिविडेंडो। कंपोनेंटो और डिविडेंडो कल भी आपको सिखाया था। ओके अभी देख लेते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा ये किसी और बच्चे की वजह से हो रहा है, अब नहीं आ रही होगी। देखो आप, तो ये हो गया न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। आप देखिए 17 अपॉन 15 हो गया q प्लस पी अपॉन q माइनस पी। अच्छा भाई यतीन को वाकई में बहुत दिक्कत आ रही है, ये कह रहे हैं कि अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं आपकी चैट को पब्लिक कर देता हूँ। यतिन, नव्या, सूजल, अर्जुन सब कह रहे हैं क्लियर आ रही है, आवाज सही आ रही है। भानु, अच्छा भानु कह रहे हैं अपनी अपने उसको वॉल्यूम को बेटा बढ़ा लो जो साइड में है, आ रही है, सब बता रहे हैं आ रही है। यश भी कह रहे हैं, हर्षित कह रहे हैं बहुत प्यार से आ रही है। प्यार से कैसे आती है भाई? यतिन बेटा देखो कुछ प्रॉब्लम हो गई तुम्हारे माइक में आज। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है सो इसे नहीं करेंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन करो, सूजल का सजेशन है कि अपने स्पीकर का ऑप्शन ऑफ हो गया होगा। चलो कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत अच्छे से। टॉप कॉर्नर में है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से सुनो। पुरानी वाली स्लाइड पे क्यों जाना है बेटा, क्या हो गया बताओ? अनुष बेटा कर दिया, बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है राइट। देखिए हमारे पास ए बी और सी किसमें है, एपी में है, और जो जो गिवन है सब लिख लेते हैं यहाँ पर। बी सी और डी किसमें है, कंपोनेंट वाला फॉर्मूला लगाया था बेटा। यस यस सुजल, वन अपॉन सी, वन अपॉन डी और वन अपॉन ई, ये भी आपके किस में है, एपी में है। और हमें प्रूव क्या करना है, ए सी और ई आपके जीपी में। ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका कैसे करना होता है वो आपके सामने अभी हम बताते हैं। सो समझ में आए तो एक्सेप्ट करना, वरना बिल्कुल रिजेक्ट कर देना। देखो अगर तीन नंबर एपी में होते हैं तो हमें पता है टू बी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ए प्लस सी के इक्वल। अगर ये तीनों जीपी में है तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, बी और डी के इक्वल। अगर ये तीनों एपी में है तो टू अपॉन डी किसके इक्वल आएगा, इसका ट्वाइस बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा। पहले मुझे ये बताओ, और ये मुझे प्रूव करना है। मींस प्रूव करने का मतलब, प्रूव करने का मतलब क्या होता है, सी स्क्वायर किसके इक्वल लाना है, ए ई के, ये मुझे प्रूव करना है। आराम से देखो कि ये सारी बातें जो अब तक बताई गई हैं क्या आपको क्लियर है या नहीं। वेरी गुड,
अरे गधा, जब पढ़ाते हैं बताते हैं तब सुना करो ध्यान से। अब सुनो, ये आपके पास नंबर वन है, नंबर टू है और नंबर नंबर थ्री है, ठीक है। और हमें नंबर फोर पर पहुंचना है। कहीं से भी स्टार्ट करो। चलो मैं आपको थ्री से स्टार्ट करके क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमें पता है 2/d किसके इक्वल है, 1/c और 1/e के। आप देखो, आपको फाइनल आंसर में एक तो a की जरूरत है, एक e की जरूरत है, ठीक है, और एक c की जरूरत है। तो c की जरूरत है इसे टच नहीं करेंगे, e की जरूरत है इसे टच नहीं करेंगे, d की जरूरत नहीं है, तो d की वैल्यू कहीं से निकालो। यहां से d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू आई c² / b। एलसीएम लिया, e + c / c e। अच्छा, आपको सारा फोकस इस बात पे रखना है कि सी ए और ई आना चाहिए, तो ई सी इसे तो टच नहीं करेंगे, लेकिन 2b इसकी जरूरत नहीं है, तो 2b की जगह क्या लिख सकते हो, a + c। यहां से सी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और आपको जो प्रूफ करना था वो आपका हो गया। यही क्वेश्चन कराया बस अभी तक, एक और कराया, आर्यन दो हो गए। ये सेकंड क्वेश्चन है मेरा। रिकॉर्डिंग हो रही है, परेशान ना हो, आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, ओके, देखो हमारे पास तीन ऑप्शन थे, एपी, जीपी और एपी। एपी की कंडीशन लिख दी, जीपी की कंडीशन लिखी, एपी की कंडीशन लिखी। आपको डी की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने डी की वैल्यू उठा के यहां से पुट कर दी। डी की वैल्यू को पुट करा तो ऐसा आ गया, फिर b की जरूरत नहीं है तो हमने 2b की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। अगर कोई दिक्कत होती है रिकॉर्डिंग में देखा करो, तो बार बार डिटेल में जाके अच्छे से, फिर तो वो तो किसी से भी करो आंसर सेम ही आएगा आपका। आप फर्स्ट से करो, आप सेकंड से करो, थर्ड से करो। 21 हमने आपको कराना था, 21 स्टार्ट हमारा हो रहा है। देखिए 21 में हमें सम निकालना है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पहले भी कराया जा चुका है, एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। 5555555 इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम 9 बनाते हैं। 9 कैसे बनेगा वो देखो, तो आपको सम निकालना है, ठीक है। तो यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास आया कॉमन 5, तो ये बचा 1 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 एंड सो ऑन। फिर 9 से डिवाइड करा
और 9 से मल्टीप्लाई। तो 9 बनाने का एम होता है इन क्वेश्चंस में हमेशा। 9 से देखो क्या होता है, कि जो आपका 9 है इसे लिख सकते हैं हम 10-1, 99 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर -1, 999 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब -1, और चलते जाएंगे लास्ट में आएगा 10 की पावर n-1। अब देखो आपके पास ब्रैकेट में दो दो नंबर्स हैं, तो पहला नंबर आपको दिखता है 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास है 1, 1, ठीक है। अब जो 10 वाला ब्रैकेट है ये एक जीपी है, और जीपी का सम क्या होता है, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आ जाएगा। ये हो गया आपके पास सम का फॉर्मूला। बहुत बढ़िया अंश, शिवम, हर्षित, वेरी गुड। चलिए जी सब क्या हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये ज्यादा बढ़िया है। ओके यतिन, ठीक है बेटा। देखिए सेकंड पार्ट में आपको सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है। तो हमारे पास है 0.6, फिर हमारे पास है 0.66, फिर हमारे पास है 0.6। कर लेना 5/9 के मल्टीप्लाई करनी हो तो अच्छा है रिया, नहीं करोगे तब भी चल जाता है। आप देखो आपने यहाँ से कॉमन लिया 6, मैंने बताया था इन सारे क्वेश्चंस में आपको 9 बनाने का एम होता है। तो बचा 0.1, 0.11, 0.111, 0.1111, आपका चलता जाएगा। फिर हमने 9 से डिवाइड करा और 9 से मल्टीप्लाई। 9 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए हमारे पास आ गया 0.9, फिर आया 0.99, फिर आ गया 0.999, और चलते जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा केयरफुल हो के देखिएगा क्योंकि इसमें डेसिमल है, तो इसे आप लिख सकते हो 9/10, इसे लिख सकते हो 99/10 का स्क्वायर, फिर लिख सकते हो 999/10 का क्यूब, एंड सो। वैसे इस स्टेप की ज्यादा जरूरत नहीं थी, सिर्फ डेसिमल खत्म करने के लिए हमने लिखा है। आप देखिए इसके बाद का स्टेप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 9/10 को 1-1/10, इसे लिख सकते हैं 1-1/10 स्क्वायर, फिर इसके बाद लिख सकते हैं 1-1/10 का क्यूब, और ये चलता जाएगा। ठीक है जी,
वन आएगा आपका एन टाइम्स, और वन अपॉन टेन, ये प्लस की जगह माइनस ले लेते हैं, आपके पास बचेगा वन अपॉन टेन, फिर बचेगा वन अपॉन टेन का स्क्वायर, फिर बचेगा वन अपॉन टेन का क्यूब, चलते जाएंगे आपके पास आएगा वन अपॉन टेन की पावर एन। तो वन को एन टाइम्स ऐड करा तो एन आ गया। ये एक जीपी है, जीपी का सम क्या होता है, ए वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। इसके बाद बस थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है इसको, तो आ जाएगा हमारे पास 2/3 साथ में एन, वन अपॉन टेन, 9/10 और 1 - 1/10 की पावर एन। 10 से 10 कैंसिल हुआ तो बन गया 2/3 एन माइनस 1/9 थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में डिफरेंस आ सकता है। डेसिमल में भी कर सकते हैं, अपॉन में थोड़ा अच्छा लगता है, बस इसलिए करते हैं। डेसिमल में भी अलाउड है, कोई परेशानी नहीं। हाँ आंसर सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई कर लिया है थोड़ा बहुत। हाँ क्या समझ में नहीं आया हर्ष, बोलो बेटा, जो समझ में नहीं आया उसे बता दो एक बार। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में एक बार बताओ क्या हुआ। यहाँ पे हमने पहले 6 कॉमन लिया, 9 से डिवाइड करा, 9 से मल्टीप्लाई, 3 से कैंसिल हो गया तो 2/3 आ गए। पॉइंट हटाया अपॉन 10, 10 स्क्वायर 10 क्यूब आ गया। 9 अपॉन 10 को आप ऐसे लिख सकते हो, 9 अपॉन 100 को ये लिख सकते हो, आप माइनस करके देखो सेम आ जाएगा। फिर हर ब्रैकेट में से वन वन को एक जगह लिख लिया, 1/10 और उसकी पावर को अलग लिख लिया, यहाँ फॉर्मूला लगाया और काम खत्म। जीपी का फॉर्मूला लगा दिया सम का, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ओके देखो, ये क्वेश्चन पहले कराया हुआ है इस तरह का, एक बार फिर आपके सामने आ रहा है। तो कहते हैं 20th टर्म क्या होगी, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो मैं सोचता हूँ nth टर्म में दो नंबर्स होंगे, फर्स्ट टर्म है तो पहले 2 आ रहा है, सेकेंड टर्म है तो आपका फिर 4 आ रहा है, थर्ड टर्म है तो 6 आ रहा है। nth टर्म होगी तो 2n आएगा और फिर उसमें प्लस 2 कर देंगे तो आपके पास जो nth टर्म आएगी वो आएगी 4n² + 4n। अब देखिए आपको कौन सी टर्म चाहिए,
आपको जो टर्म चाहिए, जैसे 20th चाहिए तो आप n की जगह 20 लिख दो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके प्रगति, गुड। देखिए ये आपको एक बार पहले भी बताया था, मुश्किल सा क्वेश्चन है थोड़ा सा। अर्जुन, अंश, शाबाश। देखो यहाँ पे हमें जो दी हुई है वो है फर्स्ट टर्म, फिर दी हुई है सेकंड टर्म, फिर दी हुई है थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। इस टाइप के क्वेश्चन की पहचान ये है कि आप इसमें देखो ना ये एपी बन रही ना ये जीपी बन रही, लेकिन माइनस कर करके देखो क्या बन रहा है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर माइनस करने पर एपी बनती है तो ऐसे क्वेश्चंस की nth टर्म हमेशा हमेशा ए एन स्क्वायर बी एन और सी होती है। अगर माइनस करने पर एपी बनती है, अगर माइनस करने पर एपी बनती है तो उनकी एन एक टर्म हमेशा एन स्क्वायर बी एन और सी होती है। अब सबसे पहले एन की जगह वन लिखो, जब आप एन की जगह वन लिखोगे तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी आएगा और वो 3 के इक्वल है। जब आप एन की जगह 2 लिखते हो, ये मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, 6 मार्क्स में आते हैं, एन की जगह 2 लिखते हो तो 4a 2b और c आएगा जो 7 के इक्वल है। एन की जगह 3 लिखते हो तो 9a 3b और c आएगा जो 13 के इक्वल है। ये आपने बनाई फर्स्ट इक्वेशन, ये बनाई सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। जो पूछना है यहाँ तक अभी पूछ लो, इसके बाद कोई बात आपकी नहीं सुनी जाएगी। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी बात पूछनी है अभी पूछ लो, इसके बाद की बातें फिर बाद में छेड़ करेंगे। इसे याद करना है, याद रखना हमेशा कि ऐसे ही होता है। अगर डिफरेंस से एपी बनती है तो एनएक टर्म ये होती है। पाथ लेट ज्वाइन कराया बताया, देखो यहाँ पे अगर आपकी ना एपी है ना जीपी है, लेकिन माइनस करने पर अगर एपी बनती है तो एनथ टर्म ये होगी हमेशा। पहले एन की जगह वन लिखो, फिर टू लिखो, फिर थ्री लिखो। एन की जगह 1 2 3 लिख दिया, आपके पास इक्वेशन बन गई, बस और कुछ नहीं। अब आपके पास 1 2 3 है तो ये बिल्कुल एज ए फॉर्मूला यूज करना है। यस कोमल, तो पहले 2 में से 1 को माइनस करो और फिर 3 में से 2 को माइनस करो। 2 में से 1 को माइनस करो क्या आएगा, 3a और b आएगा 4 के इक्वल। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब 3 में से 2 को माइनस करो, आपके पास 5a और b आएगा 6 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 5। अब 5 में से 4 को माइनस करो, 5 में से 4 को माइनस करा तो 2a 2 के इक्वल आया, तो a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू 1 कहीं भी पुट कर दो तो b की वैल्यू भी 1 आ गई और c की वैल्यू भी 1 आ गई। ये सिंपल 8वीं क्लास की तरह से हमने सॉल्व किया। आपके पास देखो nth टर्म क्या आ गई, nth टर्म बन गई आपके पास n स्क्वायर n और 1। जब nth टर्म पता होती है तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है, सिग्मा an। तो सिग्मा an करेंगे तो आपको सिग्मा n स्क्वायर करना पड़ेगा, सिग्मा n करना पड़ेगा और सिग्मा 1 करना पड़ेगा। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, n n प्लस 1
और सिग्मा वन की वैल्यू एन। इसके बाद आप लोग कॉमन लेकर एलसीएम ले सकते हैं, इतना मुझे आप पर विश्वास है। इस क्वेश्चन को मैं बार बार ये बोलूंगा, इसे एक बार दो बार तीन बार जरूर करके देख लेना, एग्जाम में जरूर जरूर आएगा। ओके अंश, लेकिन ये मेथड सीखो, ये ज्यादा काम का मेथड है, वो मेथड फेल हो जाता है, बताएंगे कभी एक्स्ट्रा क्लास लोगे जब। मेथड दोनों आने चाहिए आपको, ये ज्यादा पावरफुल मेथड है वैसे। आर्यन राठी एंड ऑल, बाकी कंपनी बताओ भाई। अपनी क्लास के टाइमिंग से अलग टाइम पर पढ़ने में काफी बोरियत होती है बच्चों को, लेकिन देखो थोड़ा 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 आगे चलेंगे। यस सुजल, थोड़ा थोड़ा सा भी क्वेश्चन करते चलेंगे तो आज भी हम देखो काफी सारे क्वेश्चन हमने बातों बातों में निपटा लिए। कल और परसों आपको दोनों दिन टेस्ट मिल जाएंगे, आपको थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एस वन आपका सिग्मा एन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा एस वन क्या चीज है, सम ऑफ एन टर्म्स। एस टू क्या चीज है, सिग्मा एन क्या होता है, सभी जानते हैं ये होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू। सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, क्या होता है एन एन प्लस वन और सिग्मा एन क्यूब क्या होता है। चलिए एक आपके पास एल एच एस है, एक आर एच एस है, हम आरएचएस से स्टार्ट करते हैं, मुझे वहां कैलकुलेशन का ज्यादा स्कोप नजर आ रहा है सिर्फ इसलिए। तो आपको पहले S3 की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, हमने S3 की वैल्यू लिखी जो है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। फिर हमारे पास क्या आया 1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ S1, S1 है हमारे पास n n प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 8 कैंसिल हुआ 4 आया, सिंप्लीफाई करा तो 1 प्लस 4n स्क्वायर के साथ 4n आया और कुछ भी नहीं आया, ठीक है जी। और क्या है मेरे पास, n स्क्वायर है और n प्लस 1 का स्क्वायर, जितना आपसे सिंप्लीफाई हो जाए उतना अच्छा। और ये हो गया 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमने किसको सिंप्लीफाई करा, अभी अभी आरएचएस को, ठीक है। इसके बाद बारी आती है एलएचएस की। एलएचएस पे देखो क्या है हमारे पास, 9 है और H2 का स्क्वायर है। H2 कौन है, ये इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एन स्क्वायर आएगा, एन प्लस वन का स्क्वायर आएगा और टू एन प्लस वन का स्क्वायर आएगा अपॉन में सिक्स का स्क्वायर, 36 आएगा। आप देखो सॉल्व करो तो आपके पास आ गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। मैं जानना चाहता हूँ किसी बालक बालिका को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल मेरे सामने संपर्क करे, मुझे बताए अभी। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश।
नेक्स्ट देखते हैं। ओके, टफ टफ क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके, ये जो भी आज कर लोगे बहुत काम आएगा आपके। देखिए, हमें सम निकालना है, आप याद करो मुझे, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना आता है अगर मेरे पास nth टर्म होती है तो। ये अभी मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये हमारे पास थर्ड टर्म है। तो मैं सोचता हूँ क्या होगा जब nth टर्म होगी तो। देखो, nth टर्म में फर्स्ट टर्म में 1 का क्यूब आया था, सेकंड टर्म में 2 के क्यूब तक आया था, थर्ड टर्म में 3 के क्यूब तक आया, तो nth टर्म में कौन से क्यूब तक आएगा? एन क्यूब तक। फर्स्ट टर्म में एक ऑड नंबर आया, सेकंड टर्म में 2 ऑड नंबर आए, थर्ड टर्म में 3 ऑड नंबर आए, तो nth टर्म में n ऑड नंबर आएंगे। तो मेरे पास nth टर्म है, nth टर्म को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ऊपर क्यूब का फॉर्मूला लगेगा जो किसके इक्वल होता है, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। और डिनोमिनेटर में देखो, ये एक एपी है और इस एपी में एन टर्म्स हैं, एन टर्म्स का सम होता है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो आप देखो, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, तो हमारे पास बचा क्या? 1/4 के साथ एन प्लस 1 का स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करें तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? ये आ जाती है एन स्क्वायर 1 के साथ में 2n। अब आप जानते हो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सब पर सिग्मा लगा दो। सब पर सिग्मा लगाते हैं तो किस किस पर सिग्मा लगेगा? एन स्क्वायर पर सिग्मा लगेगा, 1 पर सिग्मा लगेगा और एन पर सिग्मा लगेगा। सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला सबको याद होगा, बार बार यूज हो रहा है, बार बार यूज होता है, एन एन प्लस 1/6, सिग्मा 1 का n, सिग्मा एन का 1/n। आ गया आपके पास सम का फॉर्मूला, सिंप्लीफाई कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना। ओके, 26, एक 26 और कराएंगे क्योंकि इसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम बचती है। यस, 26 करते हैं आराम से। देखो, लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा आता है ये, इसे आज का लास्ट क्वेश्चन मान के चलो आप, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो ये हमारे पास एक LHS है जी। हाँ बिल्कुल, वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में करा लेंगे, अभी ये वाला क्वेश्चन हो जाए तो समझो तुम्हारा चैप्टर हो गया एक तरह से। आप देखिए, आपके पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये nth टर्म है। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो मैं न्यूमरेटर को लिख सकता हूं कि न्यूमरेटर में सिग्मा एन और एन प्लस 1 का स्क्वायर हो रहा है। डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में भी सिग्मा एन स्क्वायर और एन प्लस 1 हो रहा है। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, जिसमें हमने एन प्लस 1 के होल स्क्वायर को ओपन करा, और अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो एन क्यूब के साथ एन स्क्वायर आया। आप और सिंप्लीफाई करो तो सिग्मा एन क्यूब आएगा, सिग्मा एन आएगा और 2 के साथ सिग्मा एन स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, डिनोमिनेटर में सिग्मा एन क्यूब आएगा और सिग्मा एन स्क्वायर आ जाएगा जी। अब देखो सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला, सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर। सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू, और सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। डिनोमिनेटर में सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला हाँ जी कुछ कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में से ठीक तो वहां बचा एन एन प्लस वन अपॉन टू, फिर बचा वन और बचा टू के साथ टू एन प्लस वन अपॉन थ्री। डिनोमिनेटर में बचा एन एन प्लस वन अपॉन टू और टू एन प्लस वन अपॉन थ्री। हाँ जी ये कैंसिल हो गए। अब एलसीएम लो, एलसीएम में आपके पास आया सिक्स, सिक्स आया तो थ्री एन के साथ एन प्लस वन, वन की जगह सिक्स, और यहां आ गया फोर के साथ। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम सिक्स लिया तो आया थ्री एन के साथ एन प्लस वन, टू के साथ टू एन प्लस वन, और मल्टीप्लाई वगैरह करो तो देखो आपके पास आता है थ्री एन स्क्वायर, थ्री एन सिक्स एट एन और फोर, थ्री एन स्क्वायर थ्री एन फोर एन और टू। और देखो यहाँ पे ये हुआ थ्री एन स्क्वायर इलेवन एन के साथ आ गया टेन। डिनोमिनेटर में हाँ जी यहाँ पे फिर फैक्टर करो, थ्री एन के साथ एन प्लस टू आया और कुछ कॉमन आ रहा है
डिनोमिनेटर में देखो कॉमन लोगे तो आपके पास बचा 3n के साथ 5 जी। बात खत्म। हाँ लेंदी था, वैसे तो इजी था बिल्कुल, बट थोड़ा लेंदी होता है ये। सो आई थिंक इतने काफी रहेंगे। ठीक है जी, तो एक तरह से हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन है बिल्कुल।